सो अभी तक हम पढ़े हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़े हैं, डिफरेंट ह्यूमन राइट्स पढ़े हैं और उसका राइट टू इश्यू भी पढ़े हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि इंटरनेशनल रिलेटेड है, कंट्रीज टू कंट्री रिलेटेड है, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इन दोनों में, इन दो देशों में और इन विभिन्न देशों में भारत से क्या लेना देना है, क्या राइट्स है, वही हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट राइट टू आर्टिकल्स, वॉट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स वी हैव विच यूजअली वी गवर्न ऑन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 22 टू आर्टिकल 27, देन आफ्टर आर्टिकल 28, 29, 30 वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड वॉट आर द डिफरेंट यू कैन सी हियर अबो। नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ये इस वीडियो में हमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब क्या है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे बेसिकली, लेट मी ओके, बेसिकली इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो कि ठीक है, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब, बिल मतलब क्या है, बिल मतलब ठीक है, आपके भाषा में बिल मतलब रुपीस ही है। ओके नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स अबाउट दिस, अबाउट हाउ द इंटरनेशनल बिल ऑन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स बिन प्रोसीडेड, हाउ इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड डिपेंडिंग अपन हाउ वी आर, हमारा उसमें लेना देना क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें लेना देना क्या है, वही हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉट द इंटरनेशनल बिल विल बी गवर्निंग आवर ह्यूमन राइट्स टू मेक मोर प्रॉस्परस अबाउट वॉट वी आर। सो लेटर ऑन विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर ब्यूरोक्रेट इन टू टू सेपरेट कन्वर्ट्स, इसमें आप देख सकते हैं और पॉइंट भी नोट कर सकते हैं वो क्या है, वॉज ब्यूरोक्रेटेड इन टू सेपरेट कन्वेंट्स, नेमली द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंट्स ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इधर से लेकर इधर तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर सकते हैं अपना नोट्स में, यू कैन नोट इट डाउन व्हाट आर द टू सेपरेट कन्वेंट्स, CONVEN कन्वेंट्स, नेमली इंटरनेशनल कन्वेंट्स ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंट्स ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दो ही दो कन्वेंट्स है जो कि हमारा इंटरनेशनल बिल हमको प्रोवाइड कर रहा है। नाउ द ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम कंटेन द यूनिवर्सल एंड डिक्लेरेशन ऑफ द फर्दर इलाबोरेटेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं पॉइंट अंडरलाइन किया था वही इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू द अबोव टू डिक्लेयर्ड कन्वेंट्स टू ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स इन द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, इसमें नोट कीजिए द इन एडिशन, इधर से लेकर UN असेंबली तक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट दैट नोर दैट द सिविल पॉलिटिकल राइट्स वर आल्सो अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट ओनली गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट आल्सो इट इज़ गवर्न्ड बाय UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम UNDP, UNCIEF और विभिन्न प्रकार के UN असेंबली और यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स मीन्स यूनाइटेड नेशन का काम क्या क्या है, उसका योगदान क्या है भारत में, वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में खाली मैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन, देन आफ्टर ह्यूमन राइट्स इंडिया, हमारा देश में हमारा राइट्स क्या क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं, वही टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो समझ आ गया क्या इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर द टू सेपरेट कन्वेंट्स व्हिच यूजुअली सी ऑन दिस इंटरनेशनल बिल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन। नाउ व्हाट इज इट सेज अबाउट द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन फर्दर सप्लीमेंटेड बाई वेरियस अदर इंटरनेशनल ट्रेडिसिस कन्वेंशन डिक्लेरेशन दे यूजली रिगार्ड्स, मतलब क्या है, सारा पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट्स नोट कीजिए अपना नोट्स में क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकता है किसमें आ सकता है, अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि टू कन्वेंशनल हम पढ़ चुके हैं, वन इज इकोनॉमिक वन इज सोशल, अभी अदर उसके बगल में और उसके ज़्यादा क्या क्या है, उसके अल्टरनेटिव में क्या क्या है, वही कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, भेदभाव का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिए, इसमें वो भी बता गया है, एग्नेस्ट वुमेन मीन्स नारी शक्ति, इसमें इत नारियंत पूज्य थे रमनते तत्र देवता, इसमें ये संस्कृत श्लोक अभी बोल चुके हैं, वही इसमें
डिटेल भी बता चुका है, इस डिटेल बोल चुका है किसमें, अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन में। नाउ व्हाट इज कन्वेंशनल अगेंस्ट टॉर्चर और क्रूरल इनह्यूमन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट आर्टिकल इन 1984 आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि अगले ह्यूमन मीन्स वी कैनॉट ट्रीट इन डिस्क्रिमिनेशन और वी कैनॉट पनिश एनी मैन अदर देन द कोर्ट। हम किसी को भी मार नहीं सकते, हम किसी को भी हत्या नहीं कर सकते हैं, वही सिंपल भाषा में बोल चुका हूँ, हम किसी को भी मार नहीं सकते, अगर मारेंगे तो इन क्रूयल मीन्स ए भी आर्टिकल के अंदर दर्ज हो जाएगा और आप आईपीसी के अंडर भी जा सकते हो। सो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ डेवलपमेंट, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड, कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिलीज, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ प्रिजन पर्सन एंड डिसेबिलिटीज। ओके, ये सारा पॉइंट्स नोट कीजिए, 1 से लेकर 7 तक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इंटरनेशनल अदर इंटरनेशनल में रिलेटेड है। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, हमारा भारत में हमारा राइट्स क्या क्या है, हमारा भारत में हमारा राइट्स क्या क्या है। हाँ, पहला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। डी पी एस पी का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न प्रकार के नियमों होते हैं, उनका नियम का कैसे पालन करेंगे हम, व्हाट आर द डिफरेंट गवर्निंग फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड व्हाट वी शुड हैव टू डू टू फॉलो इट इन प्रैक्टिकल। नाउ You can make a point on each and every topic which has been mentioned here. What is given here from 1 to 4, what is given? Justice in social, economical, political sphere, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, yes, equality of status and opportunities, fraternity, assuring the dignity of the individual. ये चारों का चारों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट कीजिए। वो किस में आएगा, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, इंडिया में हमारा राइट्स क्या क्या है, उसमें ये पॉइंट सारा आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ाई करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 के अंडर क्या होगा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा आएगा, वही हम इसमें पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसमें देखिए, ओके, नाउ इसमें क्या क्या आएगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कन्वेंशनल रेमेडीज। नाउ ये सारा किस में आएगा, ह्यूमन राइट्स में आएगा। ये भी 4, 7, 1 से लेकर 6 तक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी लगा चुका हूँ और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप नोट कीजिए ये सारा। नाउ लेट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं हो कि आर्टिकल पार्ट 3 में लिखा गया ये पार्ट 4 में लिखा गया, वो भी मेंशन कीजिए। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 of constitution comprises economic, social and cultural rights. They can be classified into 3 broad categories. Now ये देखिए DPSP इधर मैं नोट करूँगा, DPSP 3 भागों में डिवीजन हुआ है, 3 parts, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। वो क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या क्या है, स्टेट प्रिंसिपल पहला है, स्टेट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग वेरी फ्लुएंटली, वेरी कॉन्फिडेंटली दैट डेफिनेटली इट विल कम एज ए ऑप्शनल टू MCQ और इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो नोट इट डाउन, व्हाट आर द 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वन इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, वन इज गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड दर इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। समझ आ गया पार्ट 3 में क्या क्या है, पार्ट 4 में क्या क्या है, अब ये पढ़ सकते हैं जो कि इंग्लिश में दिखा गया है, और पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमारा राइट्स क्या क्या है वही इसमें लिखा गया है, और डिफरेंट कॉन्वेंट्स क्या है इसमें भी लिखा गया है, वो आप बहुत ब्रीफली पढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। नाउ ए देखिए, ए टेबल देखिए, नेशनल कमीशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, हमारा कमीशन क्या क्या है, हमारा डिफरेंट कैटेगरीज बना चुके हैं गवर्नमेंट, हमारा डिफरेंट कैटेगरीज में कौन कौन सा नेम ऑफ कमीशन और एस्टेब्लिश्ड अंडर किस
कमीशन किस अंडर के साथ एस्टेब्लिश हुआ है वो भी हम इस वीडियो और इस टेबल में देख सकते हैं इन डिटेल। सो इस पॉइंट भी नोट कीजिए अपना नोटबुक में, जो कि हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इवन प्रायर इंपॉर्टेंट टू हैव ए नोट ऑफ ईच एंड एवरी टेबल विच इज़ बीन डिस्प्लेड इन दिस वीडियो, बिकॉज इट इज़ बिकॉज नो अदर देन दिस वीडियो कैन हैव ए डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द कमीशन रिलेटेड इश्यूज बीन गवर्नड ऑन, बेसिकली राइट टू ह्यूमन और राइट टू इश्यू। राइट टू इश्यू कम्स अंडर राइट टू ह्यूमन, और ह्यूमन राइट्स कम्स अंडर राइट टू इश्यू। वॉट आर द डिफरेंट राइट्स, यू कैन नोट दिस। नाउ सेकेंड पॉइंट्स में क्या क्या लिखा गया है, स्टेट कमीशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, इसमें भी वही लिखा गया है। ओके, इसमें क्या लिखा है, स्टेट कमीशन मतलब क्या है, ईच स्टेट का कमीशन क्या क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू ह्यूमन्स। धन्यवाद, थैंक यू।